हे गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष साहू और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सरकार ने जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है उसके बारे में और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के सारे और साथ ही साथ उनको पूरे देश के डॉक्टर्स का सपोर्ट मिल रहा है, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस राइट टू हेल्थ बिल में क्या है। इसमें जो नंबर एक पॉइंट है वो है कि अगर इमरजेंसी की स्थिति आती है तो कोई भी मरीज़ सरकारी में तो फ्री वो इलाज ले ही सकता है, प्राइवेट में भी अब वो फ्री इलाज ले सकता है। उससे पैसे नहीं हैं ये बोलकर जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक पॉइंट है। फिर इसमें अगला एक पॉइंट है कि अगर इलाज के बाद ऐसी इमरजेंसी स्थिति में अगर इलाज करने जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और पेशेंट पैसे नहीं दे पाता है तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो पैसे देगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं कि डॉक्टर्स किस चीज़ पर विरोध कर रहे हैं तो इन सब पॉइंट से रिलेटेड है उनका विरोध। और इसी तरह से एक और पॉइंट है कि अस्पताल या फिर इलाज से जुड़ी अगर आपको कोई कंप्लेन है तो वो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ राजस्थान के जितने भी आम नागरिक हैं उनको ऐसे 20 से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं जिससे वो शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर इस बिल का उल्लंघन करता है तो उसमें लगभग 10 से 25 हज़ार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इस बिल को सुनने के लिए मतलब इसमें जितने भी अपन शिकायत होगी इसके लिए अलग से तहसील के लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य के लेवल पे अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो ये कंप्लेंस सुनेगी और वो फिर अपना फैसला सुनाएगी, दंड देगी। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर ये फैसला सुनाती है, कोई दंड दे देती है तो इसको आप किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये एक बहुत ही मुख्य पॉइंट आ जाता है यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। अब जानते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स इतनी बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि उन पर वाटर कैनन चलाया गया, उन पर लाठी चार्ज भी की गई जो कि मुझे लगता है थोड़ी शर्मनाक बात है। और हम जानते हैं कि क्यों वो ऐसा विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि ये बताया गया पहला पॉइंट जो हमने बोला कि अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो कोई भी आदमी गवर्नमेंट में जा कर के और प्राइवेट अस्पताल में जा कर के उनसे इलाज करवा सकता है और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो फिर वो मना कर देगा और प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट से ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। अब इस स्थिति में क्या चीज़ क्लियर नहीं है कि इमरजेंसी स्थिति क्या है ये क्लियर नहीं बताया गया है। जैसे कि मरीज़ के लिए उसकी स्थिति कोई भी स्थिति हो, अगर उसको थोड़ा ज़ोर से पेट दर्द हो गया तो वो भी उसके लिए एक इमरजेंसी है। तो क्या आप ऐसा करके सारी किसी भी कंप्लेन का इलाज वहाँ पर करवा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट अभी तक बोल रही है कि वो इसके लिए फ़ंड बनाएगी लेकिन फिर भी उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। जैसे अलग एक ही प्रोसेस का, एक ही बीमारी का इलाज अगर आप अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं तो उनका बिल थोड़ा थोड़ा अलग आता है क्योंकि वो अलग अलग सुविधाएं आपको देते हैं। तो क्या सरकार सबको उनके हॉस्पिटल्स के हिसाब से पे करेगी या फिर जैसे आयुष्मान भारत में एक कोड बना दिया गया है कि इस बीमारी के लिए आपको इतने रुपए पे किए जाएंगे। जैसे कोई मरीज आता है अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के हॉस्पिटल में जाता है और बोलता है कि मेरे को ये वाला ऑपरेशन कराना है, इस चीज़ का इलाज कराना है, तो उसके लिए फिक्स रेट है आयुष्मान भारत में। तो वहाँ पर कोड की ब्लॉकिंग होती है वहाँ पर कार्ड की और फिर वहाँ पर अगर वो इलाज कराता है तो उसको उस हॉस्पिटल को इतने पैसे फिक्स अमाउंट मिलता है। तो क्या इस तरह से फिक्स अमाउंट मिलेगा? तो ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है जो कि क्लियर करना ज़रूरी है। और एक और बात है नाराज़गी का, वो है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि इसके लिए अगर आपको इलाज से या फिर अस्पताल से आप संतुष्ट नहीं हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो उसके लिए तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी और वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर सुनवाई के लिए जो टीम होगी जो फैसले देगी या दंड करेगी, दंड देगी, तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो कौन होंगे? हालांकि बोला गया है कि इसमें हम डॉक्टर्स को भी रखेंगे लेकिन ये चीज़ अच्छे से साफ़ नहीं की गई है। और ये एक हमेशा से ही बात आई है कि आप जब भी
डॉक्टर्स वाली बात है या मेडिकल फील्ड की बात है उसमें अगर कोई ऊपर फैसले कर रहा है तो वो भी मेडिकल फील्ड का ही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि वो अच्छे से परिस्थिति को समझ सके और इनकी समस्याओं को समझ सके कि मेन इनको समस्या कहाँ पे आ रही थी, क्यों ये शिकायत आई है करके। तो ये भी एक विरोध का मुद्दा है। और इस पर विधानसभा में भी जो चर्चा हुई उसमें जो विपक्ष यानी कि बीजेपी का भी स्टैंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पहली बात तो उन्होंने एक लाइन कही कि ये राइट टू हेल्थ बिल से ज़्यादा हमको राइट टू ट्रीटमेंट वाली बात लग रही है, क्योंकि हेल्थ अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट अलग चीज़ है। ट्रीटमेंट आप कब करवाते हैं, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं तब आप ट्रीटमेंट कराते हैं। हेल्थ एक अलग चीज़ होती है, हेल्थ अलग चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोज़ अच्छा खाना खाते हैं वो हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, वो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है। आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपके हेल्थ के अंदर आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं हेल्थ के अंदर, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं आता है। ट्रीटमेंट एक छोटा सा पार्ट है जो बीमारी के बाद आता है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्रावधान है वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, और तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि राइट टू हेल्थ बिल से ज़्यादा राइट टू ट्रीटमेंट बिल लग रहा है। तो बीजेपी ने ये भी कहा कि अभी आप राइट टू हेल्थ बिल लाकर प्राइवेट अस्पतालों को बोल रहे हैं कि आप फ्री में इलाज करिए, और फिर कल आप बोलेंगे कि राइट टू फूड बिल एक ले आएंगे और बोलेंगे प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं कि आप गरीबों को फ्री में खाना खिलाइए ऐसा करके। तो फिर आप सारे के सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंशियली डैमेज कर देंगे सीधा सीधा। और फिर इसमें उन्होंने बीच में ये भी कहा कि पहले से ही अगर आपको डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है तो उसके पास शिकायत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल है, कंज्यूमर कोर्ट है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ आप डॉक्टर के अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और एक और आप बॉडी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे ही कंप्लेन करने के लिए उनके अगेंस्ट, और जहाँ पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपको शिकायत है तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स इलाज करेंगे या फिर ऐसा ही यही सब में व्यस्त रहेंगे, वो एक सिंगल बॉडी रखें ताकि वहाँ पर कंप्लेन हो सके, सब कुछ एक जगह पे हो। तो अब जो है डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ, वाटर कैनन भी चलाया गया, जो कि मुझे लगता है गलत है, क्योंकि आप वो नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल का, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन उन पे जिस तरह से ये ज़बरदस्ती की जा रही है, एक तो पहली बात ये बिल ही एक तरह से ज़बरदस्ती तरीके से लाया जा रहा है थोड़ा सा इस पर। वो चाहते हैं कि डिस्कशन हो इस पर अच्छे से, जो जो इसमें चेंजेस कुछ होने चाहिए उसके लिए सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही है। फिर आप कहेंगे कि गरीबों को तो इलाज मिलना चाहिए और ख़ास तौर से इमरजेंसी में तो मिलना ही चाहिए उनको, ऐसे मना नहीं करना चाहिए। तो मैं या फिर कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी डॉक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ पर तो डॉक्टर्स हमेशा 24/7 रहते ही हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि भाई आपको बेस्ट दिया जा सके, आपको सही तरीके से इलाज मिल सके, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। और इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या है कि डॉक्टर का वो खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता। ज़्यादातर जगह पे क्या होता है कि एक कोई गवर्निंग बॉडी होती है और उसके अंदर फिर सारे सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, वो काम करते हैं। और मरीज़ के इलाज के लिए सिर्फ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर ऐसा सिर्फ जॉनर टोनर करके ऐसे हाथ हिला करके इलाज नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, फिर दवाई लगाने के लिए नर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो इसका खर्चा कहाँ से आएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, प्राइवेट अस्पताल वाले तो बहुत ज़्यादा बिल लगाते ही लगाते हैं, उनको तो फ्री में इलाज करना ही चाहिए। तो पहली बात यह है कि जब आप फ्री में किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फ्री में इलाज के लिए पहले से सरकारी हॉस्पिटल है तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको सारी तरह की सुविधाएँ मिल रही हैं, तभी आप जा रहे हैं। और वो अगर आप जा रहे हैं आपको वो सब मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बोलेंगे कि भाई वो फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करें हमको उतनी ही सुविधाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपको। अगर आपको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो उसकी भी क्वालिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्वालिटी जितना ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप ज़्यादातर आप लोग जो देख रहे होंगे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, सीधी सी बात है आपको डिफरेंस पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में,
तो यही बात आ जाती है, आप हर चीज़ फ्री में नहीं बोल सकते कि हमको ये भी फ्री में चाहिए, ये भी फ्री में चाहिए। और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था एक मैम का, जो वहाँ पे बोल रही थी, बिल्कुल सही पॉइंट उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर से हर कुछ फ्री में चाहते हैं, तो आप डॉक्टर्स को हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर दें कि हमारे बच्चों को फ्री में अच्छे हॉस्पिटल्स में पढ़ाइए, हमको कोई चीज़ अगर हमको ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है, हमको कहीं जाना है, तो फिर हमको फ्री में गाड़ियाँ दे दीजिए, और हमको खाने के लिए सब कुछ फ्री में दे दीजिए, हम किसी भी होटल में जाएँ तो, कहीं भी बाहर खाएँ तो, और हमको कोई भी सामान चाहिए राशन का हमको फ्री में दे दीजिए, तो हम भी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है। और हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में कि क्यों वो इतना चार्ज करते हैं, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हुई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब ये बात हो रही थी विधानसभा में इस बिल को लेकर के, तो वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री मीणा जी, वो बोले कि भगवान राम जी को भी इमरजेंसी आई थी, श्री लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो उस समय हनुमान जी गए कहाँ, रावण के वैद्य जी के पास, और वहाँ पर रावण के वैद्य को लेकर के आए थे और वैद्य जी ने उनका इलाज किया था। मतलब कि वो ये बताना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर्स को ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कौन है, उनको इलाज करना चाहिए। और यही हुआ जब प्रोटेस्ट के दौरान, एक अभी क्या है प्रोटेस्ट में अगर हम देखा जाए तो डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट, उनको प्रोटेस्ट से रोकने के लिए कौन है, पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वालों में से एक अधिकारी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। अब यहाँ पर चाहते हैं डॉक्टर तो मना कर सकते हैं ना भाई विरोध में, कि हम अभी विरोध में, हमारी बात गवर्नमेंट नहीं मान रही, हम अब सब कुछ बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने तुरंत उनको CPR देना शुरू किया और उनको फिर तुरंत डिफिब्रिलेटर से उनको झटके दिए गए और तुरंत उनको लेके गए और एंजियोग्राफी ऑपरेशन किया गया और वो ठीक हो रहे हैं। तो ये एक सीधा सा एग्जांपल है भाई कि हम हेल्प करना चाहते हैं, डॉक्टर्स हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर ये सब चीज़ें थोपने लग जाएंगे तो ये परेशानी कर सकता है, तो फिर ये जो क्वालिटी सर्विस है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।